नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और स्वागत है आप सबों का मेरी चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं आप लोगों के साथ जीतिया स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की थाली की रेसिपी में सबसे पहले मैं बना रही हूं मरुए की रोटी। अब हम इसमें मरुए के आटा को डाल देंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने आधा प्याज कट किया है और दो हरी मिर्च लिया है। अब एक चम्मच इसमें हम घी ऐड करेंगे, थोड़े से अजवाइन के दाने, थोड़े से कलौंजी के दाने, हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा भी मरुआ की रोटी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आलू भरी हुई मरुए की रोटी, उसको मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हल्का हल्का सा हम गुनगुना पानी डालेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मरुए के आटे को आपको गुनगुने पानी में ही गूंदना है, तभी ये जो रोटियां हैं वो अच्छी बनती हैं। ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं गूंदे, नहीं तो आपकी रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हल्का सा पानी इसमें हम और ऐड करेंगे, क्योंकि आटा हमारा हल्का सा हार्ड है, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही यहाँ पर आपको लगाना है, तभी जो इसकी रोटियां हैं काफ़ी अच्छी बनती हैं। मरुआ की रोटी जो होती है जितिया के नहाए खाए और पारन दोनों ही दिन खाई जाती है इस रेसिपी को। तो मैंने अपने चैनल पे जितिया की थाली भी अपलोड की है, जिसमें मरुआ की रोटी, नूनी का साग, झींगी की सब्जी और उसके अलावा जो केसू किराव का झोर होता है, उन सभी रेसिपियों को शेयर किया है। तो वो थाली की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आटे को गूंद करके मैंने रेडी कर लिया है, तो इसकी रोटियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा हम ड्राई आटा यहाँ पे अलग से एक साइड में रख लेते हैं रोटियों में लगाने के लिए, और चलिए अब रोटियाँ बेलना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मरुआ का आटा ले लेंगे। इस तरीके से इसको गोला करेंगे और अब रोटी बेल लेते हैं। मरुए की रोटी या फिर इसको आप पराठा कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरीके से आपको बेल लेनी है। साइड के किनारे हल्के से इसके फटते हैं, अगर आप चार के बनाएंगे तो नहीं फटेंगे। तो चार के भी किस तरीके से बनाया जाता है वो रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से बनाना, और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है, फटने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको। ऐसा नहीं है कि रोटी साइड से अगर फट रही है तो उसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरीके से हाथों से फैला लेंगे, हल्का सा बेलना चला लेते हैं। ये रोटियाँ थोड़ी सी मोटी मोटी ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती हैं। अगर आप चार के बनाएंगे तो वो रोटियाँ आप कितनी भी पतली बेलें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। तो इसको हम सेकने के लिए डाल देते हैं। तवे पे हल्का सा घी डाल के मैंने गर्म किया हुआ है, उस पर इन रोटियों को हम डालेंगे। तो ये देखिए, घी हमारा यहाँ पे जो तवे पे मैंने डाला हुआ था उसको गर्म हो चुका है। अब इस पर है धीरे से हम रोटी को डाल देंगे और एक साइड से सिकने देंगे, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। तो अब इसको हम पलट लेते हैं। ये देखिए, जहाँ पर घी नहीं लगा है वहाँ पे हम घी लगा लेंगे। काफ़ी टेस्टी होती है मरुए की रोटी जो होती है, वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, उसके अलावा ये हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड से मरुए की रोटी को अच्छे से सेक लेना है। और ये देखिए, हमारी जो मरुए की रोटी है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हम बना रहे हैं नूनी का साग, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। कढ़ाई में हम डालेंगे एक चम्मच तेल, लहसुन, मिर्च फ्राई करेंगे। नूनी के साग को यहाँ पे मैंने धो करके और छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। अब इसको इसमें हम डाल देंगे। नूनी का साग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप जितिया पर ही नहीं ऐसे भी इस साग को खा सकते हैं।
नमक डालेंगे। नमक यहाँ पे ध्यान से डालिए क्योंकि साग गलने के बाद बहुत ही इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम हो जाती है। गैस की फ्लेम को लो करके यहाँ पे हम इसको ढक करके कुक होने देंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए नेनुआ का साग यहाँ पे हमारा कुक हो चुका है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, इससे ये अच्छा स्पाइसी टेस्ट देता है। यहाँ पर सरसों और लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इसको इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हल्का सा मिर्च का पाउडर भी हम ऐड करेंगे, हल्का सा मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम, ज़्यादा यहाँ पे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन और सरसों का जो टेस्ट है वो हल्का सा यहाँ पे कच्चा वाला आएगा, तभी जो हमारा नूनी का साग है उसका टेस्ट अच्छा लगेगा खाने में। इस तरीके से नूनी के साग को आप मिक्स कर लीजिए और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जितिया स्पेशल नूनी के साग की जो रेसिपी है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। झिंगनी को धो करके मैंने कट कर लिया है, तो अब इसकी सब्जी बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, दो हरी मिर्च और चार से पांच कलियां लहसुन की। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए झिंगनी को मैंने कट करके रख लिया है, इसको थोड़े से बड़े बड़े पीस में ही मैंने कट किया है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है कुक होने में। तो इसके बड़े बड़े पीस मैंने हल्के से बड़े कट कर लिए, इससे भी बड़े आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लहसुन है हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, हल्की गोल्डन कलर की हो जाएगी तब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। लहसुन और मिर्चा जो होता है इसी का फ़ोरन दिया जाता है झुगनी के भुजिया में, तो इसलिए मैंने इसे ही ऐड किया है। अगर आप चाहें तो हल्का सा सरसों का दाना यानी राई जो होता है ना उसको ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐड नहीं किया है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। बट अगर आपको राई का टेस्ट पसंद है तो आप हल्का सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो हम इसमें झिंगनी को ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे। अब डाल देंगे हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, काफ़ी जो झिंगनी है जल्दी कुक हो जाता है और उसके साथ साथ ये इसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी मसाले डालें उसी के अकॉर्डिंग डालें कि यहाँ पे झुगनी की क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाने वाली है जब ये कुक हो जाएगी तब। इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे हल्दी का पाउडर इस्तेमाल किया है। अब डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक भी कम ही डालिए, मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम डाल देंगे और अब झिंगनी को ढक करके कुक होने देंगे। झिंगनी जो होता है वो चने के साथ भी बनाया जाता है, चना दाल के साथ भी बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है, प्लेन वाली जो झिंगनी होती है वैसे भी बनाई जाती है, इसकी भुजिया भी बनाई जाती है, थोड़ी सी हल्की सी पानी डाल करके इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। बहुत तरीके से इसकी जो रेसिपी है सब्ज़ी है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आज प्लेन ही बना रही हूँ, मैं चना या फिर चने दाल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है पिछले साल, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कि मैंने चने का इस्तेमाल किया है। तो इसको ढक देते हैं और अब इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे कुक होने में। कुक होने के बाद मैं दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो झिंगनी है वो कुक हुई है या फिर नहीं। और ये देखिए इसके जो पीस है वो कट हो रहे हैं, हमारी जो झिंगनी है पूरी तरह से कुक हो चुकी है। और हमने जो इसमें नमक डाला था उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है, तो इसको हमें ड्राई करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें डालना है लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे 10-12 लहसुन की कलियों का मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके अलावा कोई भी मसाले इसमें हम नहीं डालेंगे, इसको हम प्लेन बना रहे हैं लहसुन और मिर्च के साथ। इसका जो लहसुन वाली जो इसकी सूखी सब्जी होती है काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, मलवा की रोटी के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया होता है, काफ़ी टेस्टी लगेगा खाने में इस तरीके से अगर आप झिंगनी की भुजिया बनाते हैं तो, या फिर झिंगनी की सूखी सब्जी इसको आप बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जितना ही पानी है उसको हमें सुखा लेना है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है।
और ये देखिए अब ये बिल्कुल सूखने वाली है, हल्की सी यहाँ पे गीली है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो ये बातों में हमारी जो झिंगनी की सूखी सब्जी है ड्राई वाली वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में और साथ में खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अब हम बना रहे हैं करी बरी। तो करी बरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ बरी। तो यहाँ पे बेसन में मैंने डाल दिया होममेड गरम मसाला का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब हम डालेंगे धनिया की पत्तियों को। तो उसके साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ ताकि जो हमारी बरी है वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगे। तो यहाँ पे बरी को हमारे यहाँ बिहार में बरी बोलते हैं, बट बाहर जो होता है वो पकौड़े बोलते हैं। तो आप पकौड़े वाली जो करी बोला जाता है ना, वही मैं बना रही हूँ, पकौड़े बना रही हूँ यहाँ पे करी के लिए। तो इस पकौड़ों में मैं डाल रही हूँ दही। जी हाँ, आप अगर पकौड़ों के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं उसका बैटर बनाने के लिए, तो आपकी जो बरियाँ हैं काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो इसलिए हमेशा पानी की जगह पे आप दही का इस्तेमाल कीजिए और दही से ही इसका बैटर तैयार कीजिए। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया नमक। तो अगर आप इसमें बेकिंग सोडा नहीं भी डालते हैं तो आपके जो पकौड़े बनेंगे ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। आपको अलग से बेकिंग सोडा वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मिक्स है बरी का वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर जस्ट पहले, फ्राई करने से पहले। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी बट थोड़े से मैंने डाल दिए हैं ताकि हमारी जो बरियाँ हैं बहुत ही हल्की बने, काफ़ी टेस्टी बने। और तेल हमारा गर्म है तो छोटी छोटी बरियाँ यहाँ पे तेल में हम डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको बरी को फ्राई करना है, नहीं तो क्या होता है कि बरी का जो कलर है जल्दी ही डार्क हो जाता है बट वो अच्छे से अंदर तक कुक नहीं होती है। अब यहाँ पे सारी बरियों को मैंने डाल दिया। अब एक एक करके सभी को यहाँ पे हम पलट लेंगे और पलट करके दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इससे पहले भी जितिया स्पेशल एक थाली की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन उस थाली में मैंने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप उस थाली को भी चेक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, उसमें जितिया का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी रेसिपी जितिया की है जो कि जितिया के व्रत में खाई जाती है। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिएगा। और सारी बरिया फ्राई हो चुकी है, अब हम करी का घोल तैयार करेंगे। तो जिस बर्तन में मैंने बरी तैयार किया था ना बरी का घोल, उसी बर्तन में मैं यहाँ पर करी का घोल तैयार कर लूँ। मैंने बेसन ले लिया और दही ले लिया। तो दही को यहाँ पे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, जितनी क्वांटिटी की यहाँ पे हमारे पास में पानी की ज़रूरत होगी उतनी पानी की यहाँ पे हम डाल देंगे। पहले हम मिक्स करके देख लेते हैं क्योंकि बेसन में जो लम्स है वो नहीं रहने चाहिए। तो इसको अच्छे से फेंटने के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी में मैंने दही डाला है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और जब अच्छे से ये फिट जाएगा उसके बाद जितनी भी पानी की ज़रूरत होगी यहाँ पर हमें उतनी पानी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले क्योंकि हम थोड़ी सी स्पाइसी करी बना रहे हैं जो कि खाने में टेस्टी लगेगी। तो होममेड गरम मसाला का पाउडर मैंने ऐड किया। तो होममेड गरम मसाला का जो भी मैं बनाती हूँ ना हमेशा उसमें सारे मसाले मिक्स करके बनाती हूँ, तो इसीलिए और कोई मसाले डालने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने डाला भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर और सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है तैयार हो चुका है लेकिन काफ़ी गाढ़ा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी सी दही मैंने और डाल दी, थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी दही की क्वांटिटी। खट्टी जो करी होती है खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, ऑयल में तेज़पत्ता और साबुत जीरा हम ऐड कर देंगे और इसको चटकने देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो जीरा है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम डाल देते हैं यहाँ पे जो हमने करी का घोल तैयार किया ना उस घोल को यहाँ पे डाल देंगे। और अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे तब तक जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखें, उसके बाद 5 से 7 मिनट पकाने के बाद जब करी गाढ़ी हो जाएगी ना तो फिर आप गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। तो आपको जितनी गाढ़ी करी रखनी है ना उतनी गाढ़ी करने के बाद आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए। तो मैंने हींग डाल दिया इसमें और इसको मिला लेंगे अच्छे से और कुक होने देंगे। 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है करी को पकने में। और ये देखिए करी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद करी जो होती है ना थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सभी बरियों को और बरी को डालने के बाद बस हाफ मिनट मैं इसको यहाँ पर पकने दूँगी, ज़्यादा नहीं पकने दूँगी नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और ऊपर से थोड़ा सा
भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर मैंने फिर से डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नमक डाल दिया और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ जो हमारी बहुत ही टेस्टी सी करी की रेसिपी है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे बने रहिएगा, क्योंकि जितिया स्पेशल बहुत सारी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है आलू और मिर्ची के पकौड़े, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर चावल को मैंने भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से अगर आप चावल को पीस करके और पकौड़ों में डालते हैं तो आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट बन करके हमारा तैयार है। मैंने बेसन ले लिया है, बेसन में अब इस पेस्ट को हम डाल देंगे और जितनी पानी की ज़रूरत होगी हमें उतनी पानी अब इसमें डालेंगे। तो अच्छे से पहले इसको मिक्स कर ले रहे हैं और ये देखिए अभी जो यहाँ पे हमारा मिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और इस तरह का बैटर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा और पानी हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बैटर है उसको तैयार कर लिया है। अब हम मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ। ये होममेड गरम मसाला का पाउडर है, इससे जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और पकौड़े हम काफ़ी स्पाइसी बना रहे हैं इसलिए 2 चम्मच मैंने डाला है। 1/2 चम्मच सब्जी का मसाला या फिर आप कोई भी मसाला जो किचन किंग वगैरह हो ना वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर के जगह पे, इससे जो पकौड़े का कलर है बहुत ही बढ़िया आता है। तो हल्दी पाउडर को यहाँ पे मैंने कर दिया है स्किप और डाल रही हूँ मैं फूड कलर, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं काफ़ी यम्मी दिखे। और ये देखिए बटर का जो कलर है आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो गया। अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ जो हमारा बैटर है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब चलिए हम बना करके तैयार कर लेते हैं आलू के पकौड़े। यहाँ पे आलू को मैंने कट करके रखा हुआ है, साथ में 2-3 हरी मिर्ची भी ली हुई है। हम हरी मिर्च के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे, काफ़ी अच्छे लगते हैं। फ्राई होने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया था, तो अब इसको हम इसमें हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से डीप करेंगे आलू के जो पीस है हमारे, और कढ़ाई में हम डाल देंगे ये देखिए, और इसको फ्राई होने देते हैं। एक एक करके सारे पकौड़ों को आपको इसी तरीके से डाल देना है और पकौड़ों को फ्राई होने देना है। आलू के पकौड़े काफ़ी यम्मी लगते हैं, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और सभी पकौड़ों को मैंने डाल दिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकौड़ों को फ्राई होने देते हैं और जब दोनों साइड से पकौड़े हमारे फ्राई हो जाएंगे फिर हम इन सबों को निकाल लेंगे। ये देखिए पकौड़े एक साइड से हमारे फ्राई हो गए हैं। अब एक एक करके सभी पकौड़ों को यहाँ पे हम पलट रहे हैं और पलट करके दूसरे साइड से भी हम पकौड़ों को फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे आलू के जो पकौड़े हैं दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब सभी पकौड़ों को यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। अब हम बना रहे हैं आज की लास्ट रेसिपी, जो है चावल। तो यहाँ पे सबसे पहले कुकर में आपको धुले हुए चावल ऐड कर देने हैं। जितने चावल आपने लिए हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको पानी भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है। कुकर में अगर आप चावल बनाते हैं तो एक सीटी आने के बाद हमारा जो राइस है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसमें हम हल्का सा घी डाल देते हैं, इससे चावल फ्रेश बनता है। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन को लगा दिया है और एक सीटी आने का वेट करेंगे। एक सीटी आने के बाद हमारा जो चावल है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं हम थाली की प्लेटिंग। तो दोस्तों थाली यहाँ पे हमारी पूरी तरह से तैयार है। कुसी किराओ के झोल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, इसका वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेंगे।